Hey guys, my name is Sultan. My name is Malaika. और आप देख रहे हैं Me Versus You Official. भाई बहुत ज्यादा डिमांड है, ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है पाकिस्तान का, मशमल्ले कह लें या वशमल्ले कह लें, आप लोग जो आप लोग कह सकते हैं. बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, बलोची सॉन्ग है और पाकिस्तानी सुपरस्टार लेजेंड साहिर अली बग्गा और आयमा बेग का ये सॉन्ग है. बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा इसकी रिक्वेस्ट आ रही है. तो पर्सनली मैंने इनको आज कहा है कि ये लाजमी होना है इनको, तो पर्सनली मैंने इनको आज बुलाया है. मैंने कहा भाई आप जो है वो वीडियो में शामिल हो, क्योंकि बिल्कुल सब्सक्राइबर वेट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर मैसेजेस करके पूछते हैं भाई कहाँ है, किधर गायब है, क्या नहीं है, वीडियो में आएंगी नहीं आएंगी, क्या जो भी ये मामला. तो भाई आप बता दें अपने सब्सक्राइबर को, मुझसे पूछते हैं वो. सब्सक्राइबर को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लाइफ बहुत बिजी रहने लग गई है अब, तो बस यही है कि थोड़ा बिजी थी कुछ दिनों से, आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर मैं इस वीडियो के लिए खास आई हूँ. तो भाई चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंजॉय करें आप हमारा रिएक्शन और सॉन्ग को एंजॉय करें. चले जी स्टार्ट करते हैं 1 2 3. बाबुले सिरे शुमावे माले वशमल्ले बाबुले सिरे शुमावे माले वशमल्ले खुर्दले सिरे शुमावे माले वशमल्ले बाबुले सिरे शुमावे माले वशमल्ले सालू के सिरे शुमावे माले वशमल्ले भाई. मेरे ख्याल से जो है वो वीडियो पे बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है,
अगर ये थोड़ा सा खर्चा वीडियो के अलावा एक्स है उस पर खर्चा किया जाता तो मेरे पर्सनली मुझे जो है वो इस गाने मुझे कोई इतना खास नहीं लगा। सीधी में अगर बाद में कहूँ तो मुझे कोई इतना खास नहीं लगा, मुझे बस ऐसा लगा कि सारा खर्चा वीडियो पे ही किया गया था, कॉस्ट्यूम्स हो गए और लोकेशंस हो गई और बंदों को इतने बंदों को उन्होंने डांस करवा दिया, कुछ नया लेके नहीं आए, रैप होना चाहिए था ताकि थोड़ा सा सॉन्ग बीच में जो एक थीम चेंज हुई थी इनकी वो आग वाला सर्कस जो चल रहा था उसकी जगह अगर रैप इसमें ऐड हो जाता तो कुछ ये न्यू सॉन्ग हो जाता। और मेरे ख्याल से ये एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है, इसमें ढोल लाजमी होना था, जैसे अली जफर के सॉन्ग है, अली जफर ने जो है वो सिंधी कल्चर पे सॉन्ग बनाया है, बलूची कल्चर पे बनाया है, पख्तून कल्चर पे बनाया है, तो उसकी थीम भी वैसी ही दी है और उसमें कुछ चीजें नई ऐड करके वो चीज लेकर आए हैं तो, हाँ बिल्कुल। और गाया इन्होंने इस तरीके से जैसे ये नॉर्मली कोक स्टूडियो में गाते हैं, ये दोनों वैसे ही इन्होंने परफॉर्म किया है जैसे ये कोक स्टूडियो में परफॉर्मेंस देते हैं, तो कुछ न्यू देखने को नहीं मिला, जैसी एक्सपेक्टेशन थी वशमल्ले सॉन्ग सुन के तो वो मजा नहीं आया सुनने में, वेरी वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपको कुछ नया लगा उसमें? कुछ वैसे ही वैसा टचअप था बस, कॉस्ट्यूम्स पे खर्चा किया गया था इसमें, लोकेशंस पे खर्चा किया गया था इसके अंदर, कुछ नया होता तो फिर मतलब लिरिक्स भी कोई इतने खास नहीं थे ना, कुछ ऐसे खास लिरिक्स होते हैं जो आप बोलते हो नहीं यार कि कुछ चेंज है, वो चेंज नहीं है, बस नॉर्मल सॉन्ग है, आप सुने एंजॉय करें सॉन्ग को और अच्छा लगे आपको, बीट अच्छी लगे तो आप डांस भी कर सकते हैं ऊपर। तो बहरहाल फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बताएं कि हमारा रिएक्शन वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करना है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।